सब्सक्राइब करें राइजिंग स्टार टूर एंड ट्रैवल चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए लेटेस्ट ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस। VFS स्विट्जरलैंड टाइप करिए गूगल में एंड एंटर, फिर स्विट्जरलैंड VFS की वेबसाइट्स आएंगी, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपकी स्विट्जरलैंड VFS की वेबसाइट ओपन होगी, उसमें वीज़ा टाइप्स में जाके विजिटर पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कीजिए, न्यू वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए, इसे आप अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए, इसमें नाम रख दीजिए स्विस एप्लीकेशन ताकि आपको आसानी से मिल जाए। ये हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले सरनेम आता है, फैमिली नेम जो आपके एज पर पासपोर्ट आपको फिल करना है, सरनेम एट बर्थ, अगर शर्मा है तो शर्मा लिखीजिए, जो भी है मतलब जैसा भी है वो लिखीजिए, फर्स्ट नेम एज पर पासपोर्ट लिखना है आपको, आपकी डेट ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी क्या है, नेशनैलिटी एट बर्थ क्या है अगर डिफरेंट है तो, आपका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है आप, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, डिप्लोमेट पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर डालिए यहाँ पर अपना एज पर पासपोर्ट, डेट ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट, वैलिड अंटिल एक्सपायरी डेट ऑफ पासपोर्ट डलेगी यहाँ पर, इशूड बाय कहाँ से इशू है पासपोर्ट, RPO दिल्ली लिखेंगे हम, आपका होम एड्रेस एज मेंशन इन द पासपोर्ट, इंक्लूडिंग योर पोस्टल कोड और आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कहीं और रेजिडेंस तो नहीं है कंट्री ऑफ नेशनलिटी के अलावा, आपका करंट ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड, यहाँ पर एम्प्लॉयर का नेम एंड एड्रेस फिल करेंगे विद टेलीफोन नंबर, इसके बाद आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, टूरिज्म है, फैमिली विजिट है, आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है जहाँ पर आपको जाना है, मैम शेनिगन स्टेट्स में, आपकी फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री कहाँ से है, नंबर ऑफ एंट्री सिंगल मल्टीपल टू एंट्रीज, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है शेनिगन एरिया में, आप कोई लास्ट वीजा इशू तो नहीं है, अगर हुए तो उनकी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट नहीं हुए हैं, आपकी डेट ऑफ अराइवल इन शेनिगन एरिया, इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर फ्रॉम शेनिगन एरिया फिल करेंगे इसमें हम, सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, अगर कोई नहीं होगा तो हम नेम ऑफ होटल लिखेंगे जहां पर हमें स्टे करना है, एड्रेस कंप्लीट, एड्रेस एंड ईमेल आईडी ऑफ होटल, होटल का कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स नंबर, अगर हम बिजनेस पे जा रहे हो कोई इनवाइटिंग कंपनी डिटेल है तो वो भी फिल कर सकते हैं, उसके बाद कॉस्ट कौन बेयर करेगा एक्सपेंसेस के बाय एप्लीकेंट, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे हम, तो यह आपका EU EEA तो उसमें फिल करेंगे डिटेल्स, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे, प्लेस एंड डेट ऑफ, डेट जहाँ पर हमने सबमिशन करानी है एप्लीकेशन एंड डेट,
इसमें हम इसका प्रिंट ले लेंगे, सेव कर लेंगे फर्दर यूज के लिए, और इसकी प्रिंटेड कॉपी निकाल के हम इसके सिग्नेचर्स करके VFS में सबमिट करा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलना। अगर आप इस तरह की ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।